फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केन क्योर। गाइस, आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खास करके प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए, कि पानी की कमी उनमें ना होने पाए। आप सभी को पता है कि बच्चा जो होता है पानी की थैली के अंदर रहता है, और बच्चे को अगर पानी की थैली में अगर पानी की कमी हो जाए तो बच्चे को कितना ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि उसे ऑक्सीजन, उसे हर एक चीज़ उसी एमनियोटिक फ्लूइड से ही मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आपको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आज आपको इसी चीज़ों पे डिस्कस करके बताऊंगी, कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी, एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करूँगी, पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी जो मैंने देखा है आपके साथ में। हो सकता है उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले लाइफ में। गाइस, इंपॉर्टेंट ये नहीं है आप प्रेग्नेंट हो गए हो, लेकिन प्रेगनेंसी में हो, लेकिन आपको अपनी केयर करनी जितना इंपॉर्टेंट है उतनी आपको अपने बच्चे का भी ख्याल रखना, हर एक मदर करती है। लेकिन पानी की कमी की वजह से आप सभी जानते हो जल ही जीवन है, तो ये इस जगह पे परफेक्ट बैठ रही है ये कोटेशन, कि ये जल ही जीवन है। जल जो होता है आपके बच्चे को जीवन देने के लिए ही है। बच्चा जल के अंदर रहता है, पानी के अंदर रहता है, उस पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपको दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्या चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ें को आपको अवॉइड करनी चाहिए, एवरीथिंग मैं आपके साथ में डिस्कस करने जा रही हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पानी के फ़ायदे। तो सबसे पहले गाइज, अगर आप प्रेगनेंसी में हो तो सारे दिन में आपको 5 से 6 लीटर पानी पीना ही पीना है, बिना कुछ सोचे समझे, इसलिए क्योंकि आपके बच्चे को इससे जीवन मिलने वाला है। ये सोचकर आपको पानी की कमी अपने अंदर नहीं होने देनी है। पानी की कमी होने से आपको भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। पानी की कमी होने से आपके अंदर का जितना गंदगी आप कह सकते हो, विषैले पदार्थ जो हमारे अंदर जाते हैं या होते हैं, वो निकल नहीं पाते। अगर हम पानी प्रॉपरली पीते हैं तो वो डिटॉक्स होते रहते हैं, और पानी प्रॉपर अगर हमें मिलता है तो हमारी स्किन भी हेल्दी लगती है, अच्छी लगती है, और काफ़ी ज़्यादा आप एनर्जेटिक लगते हो, क्योंकि पानी की कमी की वजह से आप में एनर्जी की भी कमी होती है। ये भी आप समझ लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप दिन भर में 5 से 6 लीटर से ज़्यादा ही पानी पीजिए, और इतना तो आपको पीना ही पीना है, क्योंकि पानी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करता है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया पानी आपके बच्चे के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा कई टाइम पर ऐसा भी देखा गया है कि जब डिलीवरी होती है, कई डिलीवरीज ऐसी होती है कि लास्ट मिनट पे जब उनकी डिलीवरी हुई है और उनके पानी की थैली मतलब एकदम सूखी पड़ी, उनमें बिल्कुल भी पानी नहीं, और बच्चा मतलब उनकी कंडीशन देखने लायक नहीं होती है। ऐसा हमने अपनी आंखों से भी देखा है, और बहुत ज़्यादा उस टाइम पे पता चलता है कि इस जो वुमेन ने अपनी क्या केयर करी है, उस टाइम पे ये समझ में आ जाता है। तो पानी कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और पानी की वजह से आपका बेबी भी हेल्दी नहीं रह पाता है, क्योंकि देखिए पानी की वजह से ही आपके बच्चों को हर एक चीज़ मिल रही है। इम्यूनिटिक फ्लूइड जो होता है उसकी वजह से ही आपका बच्चा अंदर में सर्वाइव कर रहा है, तो अगर उसकी कमी होगी तो किस तरीके से बच्चा सर्वाइव करेगा। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको डिस्कस कर दी। अब मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी कि देखिए पानी की कमी होने से आपके अंदर भी पानी की कमी होगी, जिससे आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। सारा दिन आपको लगेगा कि वीकनेस हो रही है, एक चक्कर आ रहे हैं, मतलब बहुत ही अजीब सा फील होगा, और हमेशा ऐसा लगेगा कि मैं लेटी हुई रहूँ। तो अगर आप अपनी प्रेगनेंसी अगर हमेशा लेटे हुए रहोगे तो आप उसे इंजॉय कब करोगे? तो यही तो एक टाइम होता है जब आप इंजॉय करोगे, अपनी मेमोरीज को कैप्चर करोगे। तो देखिए एनर्जी का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पानी एक ऐसी चीज़ है कि वो आपको एनर्जी लेवल को आपको बढ़ाती है। तो अगर आप एनर्जी को ही नहीं लोगे, ज़रूरी नहीं कि खाना ही हमें एनर्जी देता है, पानी भी हमें एनर्जी देता है, और इतनी एनर्जी देता है कि आप उसका जो बेनिफिट होता है कहीं ना कहीं आप उसे इग्नोर कर रहे हो। आपको उसे इग्नोर नहीं करना है, बहुत बेनिफिट करता है। आपको पानी बहुत प्रॉपरली पीना है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पीना है, बहुत अच्छे तरीके से पीना है, और साफ़ सुथरा अच्छा पानी पीना है। ठीक है, और मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर जब आप पानी पीते हो, पानी की कमी होने से और आपको क्या चीज़ें हो सकती हैं। देखिए कई बार आप लोगों ने सुना होगा
कि आपका बच्चा लास्ट मंथ पे जब आपकी अल्ट्रासाउंड्स होती हैं, अगर आपका बच्चा उल्टा है ना, कहने का मतलब अगर उल्टा है, वो पोजीशन पे नहीं आया, तो अगर आप प्रॉपरली पानी पीते हो ना, तो आपका बच्चा सीधा भी हो सकता है, आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो देखिए, एक पानी पीने से आपको कितने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, आपका बच्चा भी स्वस्थ है, आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने की भी चांसेस है, और आपका जितना हो, अगर बाई चांस अगर आपका बच्चा उल्टा है, अगर उसके अच्छे पोजिशन पर नहीं आया है, सीधे पोजिशन पर नहीं आपका बच्चा आया है, तो वो राइट पोजिशन पर भी आ सकता है पानी पीने से। होता है ना, पानी मतलब जैसा कि आप देखते हो पानी के अंदर फिसलन कितनी होती है, बस वैसे ही अगर बच्चा प्रॉपरली अगर अब उस मुंह के साइड पे अच्छे से नहीं गया है या उल्टा है, तो वो सराउंडिंग करते करते किसी ना किसी तरीके से बच्चा अपनी पोजीशन ले ही लेता है। अपने डॉक्टर्स के पास में भी जाओगे, वो भी आपको यही कहेंगे कि पानी जितना हो सके पीछे, ये आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देंगे। तो ये मैंने आपको बता दी कि कितना ज़्यादा फ़ायदा है। अब डिसीज़न आपका है कि आपको पानी पीना है या नहीं पीना है। देखिए, कभी कभी होता है कि हम एक ग्लास पानी पीते हैं और हमें ऐसा लगता है कि पानी हमने बहुत ज़्यादा पी लिया है ना, कई बार ऐसा लगता है। तो कई बार होता है पानी में बहुत सारे कोई कोई किसी किसी जगहों का पानी होता है अलग अलग किस्म का होता है। तो आप अगर बहुत अच्छी बात अगर ये होगी कि अगर पानी अगर आप बॉयल करके पी रहे हो, पानी बॉयल करके ठंडा करके रख लीजिए और उसे अगर आप पी रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। आर ओ का पानी है तो और भी अच्छी बात है, फिल्टर का पानी है बहुत अच्छी बात है, और जितना हो सके अगर आप बॉयल कर लेते हो पानी को, तो इससे तो मतलब इसके आगे तो कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। बॉयल पानी पीजिए और जितना हो सके पानी, हमें पता है कि कई बार हमारा मन नहीं करता है, क्योंकि हमारा होता है कई बार ऐसा लगता है कि पेट बहुत ज़्यादा भर गया है या पच नहीं रहा है, हमें अब एकदम निकल जाएगा, पेट फट जाएगा, ऐसी ऐसी चीज़ें लगती। लेकिन जी नहीं, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। चलते फिरते पानी पीते रहिए जितना हो सके, एक बॉटल एक एक लीटर की बॉटल भर लीजिए, 2 लीटर की बॉटल भर लीजिए, जिस तरीके से आपको करना है। और बस आप ये सोचिए कि मुझे इसे ख़त्म करना है, सारे दिन में 5 से 6 बॉटल आप एक एक लीटर वाली ख़त्म करिए, और देखिएगा आप कि आपको कितना ज़्यादा उससे बेनिफिट होगा। आप ग्लास वाइज मत पीजिए, आप बॉटल वाइज पीजिए, और आप देखोगे बॉटल मीन्स बॉटल को आप रख लीजिए और ग्लास में नाप कर ही पीजिए पानी को। ये नहीं कह रही हूँ कि बॉटल से ही आपको पीना है, आप ग्लास में डाल के पीजिए, लेकिन क्वांटिटी के हिसाब से कह रही हूँ कि अगर आप बॉटल में अगर रखोगे उसके बाद अगर पियोगे, तो आपको ये चीज़ें कम लगेंगी कि मैंने, आपको पता भी लगेगा कि आपने कितनी क्वांटिटी में पानी पिया है, कितने लीटर आपने पानी पिया है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। देखिए, पानी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है, और आपके अंदर जो बच्चा पल रहा है उसके लिए भी उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पानी को इग्नोर बिल्कुल मत करिए, जितना हो सके पानी का सेवन करिए, ताकि आपको सारे फ़ायदे उससे मिल सके। आप भी हेल्दी रहो, आपका बच्चा भी हेल्दी रहे, और आगे उससे डिलीवरी के टाइम पे आपको और आपके बच्चे दोनों को भी तकलीफ़ बिल्कुल ना हो। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, एग्जांपल दिया यहाँ पे, कि कई बार ऐसा देखा गया कि डिलीवरी के टाइम पे जब बच्चा डिलीवर हुआ है, तो बच्चा एकदम सूखा पड़ा, बिल्कुल पानी की थैली में पानी ही नहीं, तो बच्चा सर्वाइव करने में उसको दिक्कत जब होती है, और जब बच्चा डिलीवर करता है, तो उस टाइम पे जब नॉर्मल डिलीवरी होती है, बच्चा को कहीं ना कहीं आप देखोगे बच्चा फिसल कर ही बाहर आता है ना, बच्चे में वो फिसलन होगी तभी वो बाहर आएगा, तो वो अंदर पानी ही नहीं रहेगा, तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो गाइस, आपको ये सारी चीज़ें समझनी होगी, और जितना हो सके आपको ये चीज़ें अपने दिमाग में लानी होगी कि ये यही टाइम है जिस पे आपको अपना ध्यान रखना है, अपने बच्चे का ध्यान रखना है, और जितना हो सके मुझे हेल्दी रहना है, खुद के लिए भी, अपने बच्चे के लिए भी। बस ये चीज़ें आपको अपने दिमाग में अगर आप बैठा लोगे, तो आपको कोई और चीज़ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आई होप इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, आपको हेल्प मिलेगी, और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन ज़रूर कर सकते हैं, प्लीज़ लाइक करके ज़रूर चाहिएगा। मिलते हैं अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय गाइस, हेल्दी रहिए, अच्छा खाना खाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और जितना हो सके एक दूसरे की सपोर्ट करिए। थैंक यू गाइज़।